स्पीड न्यूज के पेश करता है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 20 अक्टूबर की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज में। अमेरिकी सदारती इलेक्शन के दरमियान नायब सदर के ओहदे की उम्मीदवार कमला हैरिस की भांजी ने एक फोटो ट्विटर पर की शेयर। फोटो में कमला हैरिस को दुर्गा देवी की तरह बताया भड़का हिंदू तबका। अजरबैजान के खिलाफ जारी लड़ाई में आर्मेनिया के 729 फौजी हलाक। आर्मेनिया ने पाकिस्तान पर लगाया अजरबैजान की मदद के लिए फौज भेजने का इल्जाम। पाकिस्तान ने इल्जाम को बताया बेबुनियाद। चीन और ताइवान के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कशीदगी। चीनी सिफारतकारों ने ताइवान के सिफारती तकरीब में की गड़बड़। ताइवान ने कहा चीन की गुंडागर्दी से नहीं डरेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ पूरा अपोजिशन हुआ मुत्तहद। एक ही प्लेटफॉर्म पर आए 11 अपोजिशन पार्टियां, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की बड़ी ताकत। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही टिकटॉक पर से बैन हटा दिया। पाकिस्तान ने कहा चीनी ऐप ने पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक न्यूड कंटेंट पर पूरी तरह से रोक लगाने का किया है वादा। लद्दाख में पकड़े गए चीनी फौजी को अगले कुछ दिनों तक नहीं छोड़ा जाएगा। चीनी फौज से हो रही है पूछताछ, मिले थे शहरी और फौजी डॉक्यूमेंट। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में मंदी की मार, लेकिन चीन की बढ़ती जा रही है इकोनॉमी। चीन की इकोनॉमी लॉकडाउन और वबा के दौरान उठाए गए इकदाम से तेजी से उभर रही है। भारत में कोरोना वायरस की जानकारी देने के लिए बनाई गई मोदी सरकार की कमेटी के एक मेंबर का दावा, फरवरी तक भारत की आधी आबादी हो सकती है कोरोना से मुतासर। भारत में कोरोना के केसेस में आई पिछले 3 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट। पिछले 24 घंटों में 9 रियासतों में कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। तेलंगाना में आए 1486 नए केसेस। कोरोना की वबा के दरमियान CAA और NPR नाफिज करने का बीजेपी ने फिर छेड़ा राग। JP नड्डा ने कहा जरूर लागू करेंगे CAA, कोरोना की वजह से हुई देरी। मरकज की मोदी सरकार के जरिए खवानीन यानी एग्रीकल्चरल बिलों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में मुजाहिर जारी। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने कहा अपनी सरकार जाने से नहीं डरता, लेकिन किसानों को परेशान या बर्बाद नहीं होने दूंगा। उद्धव ठाकरे के सेकुलरिज्म और हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी पर शरद पवार ने की तनकीद। उस्मानाबाद के बाढ़ मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए बोले शरद पवार कोई भी इज्जतदार शख्स होता तो अब तक छोड़ चुका होता ओहदा। कांग्रेस कायद सचिन पायलट का दावा बिहार में होगी तब्दीली। कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी RJD बनाएगी नई सरकार, खुल चुकी है नीतीश सरकार की पोल। अगले हफ्ते से बढ़ेंगी बिहार इलेक्शन की सरगर्मियां। बिहार के नए ग्रैंड यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों के लिए उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी की 24 अक्टूबर से शुरू हो सकती है रैलियां। BJP लीडरों के फिर इस्लाम मुखालिफ बयानबाजियां हुई शुरू। अब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की खातून मिनिस्टर ने दिया मुतनाज बयान, कहा नफरत फैला रहे हैं मदरसे, कर दिए जाए बंद, उनके बयान की हो रही है शदीद मजम्मत। खातून वजीर को आइटम कहने के बयान को राहुल गांधी ने बताया अफसोसनाक, तो बोले कमलनाथ ये राहुल गांधी की राय, मैं जाहिर कर चुका हूं दुख, माफी क्यों मांगू। कमलनाथ के बाद अब मध्य प्रदेश की BJP सरकार के मंत्री बिसाहूलाल सिंह का आया इंतहाई घटिया बयान सामने। अपने हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार की बीवी के किरदार पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में फौज और मिलिटेंट्स के दरमियान हुआ एनकाउंटर, 4 मिलिटेंट हलाक, हथियार किए गए जब्त, फौज का सर्च ऑपरेशन है जारी। तेलंगाना में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए तमाम एंट्रेंस एग्जाम समेत UG, PG और इंजीनियरिंग के तमाम एग्जाम्स दशहरा तक के लिए कर दिए गए पोस्टपोन। हैदराबाद में बारिश का कहर जारी, मीरपेट के तालाब का टूटा बांध, निचले इलाकों में सैलाब का बढ़ा खतरा। महकमा मौसमियात ने जारी किया अगले 2 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट, लोगों में दौड़ी खौफ की लहर। सैलाब मुतासरीन के लिए तेलंगाना को दिल्ली और तमिलनाडु से मजमू तौर पर मिली 25 करोड़ की इमदाद। MLAs, MPs और MLCs अपनी 2 महीने की सैलरी CM रिलीफ फंड में देने के लिए हैं तैयार।
शहर हैदराबाद के दरमियान वाक़ हुसैन सागर हुआ फुल। हुसैन सागर से छोड़ा गया 2098 क्यूसिक पानी। अतराफ के इलाकों में अब भी सूरत हाल बनी हुई है नाजुक। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश से मुतासरा कॉलोनियों में राहत कामों में तेजी पैदा करने की KTR ने दी हिदायत। MS मख्ता और राजभवन के इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरा खानदानों में तकसीम किए रिलीफ चेक्स। असदुद्दीन ओवैसी, KTR और तलासानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के टोली चौकी नदीम कॉलोनी का किया दौरा। सैलाब मुतासरीन में हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे 10,000 रुपये पर मुश्तमिल रिलीफ चेक्स की तकसीम। रियासत कर्नाटक में भी हालिया बारिश से पैदा हुई सैलाबी सूरत हाल। कलबुर्गी, विजयपुरा, यादगीर के मुख्तलिफ मकामात को सैलाब का सामना। हजारों अफराद रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर हुए मजबूर। PBN स्पीड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल। स्पीड न्यूज़ के पेश करदा हैं टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल।